ओ बेटे, इसका तो पिकअप बड़ा सही है भाई। ये जो इलेक्ट्रिक है ना, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। और हम इस वक्त थोड़ा लेट जी रहे हैं, ये प्रेजेंट हो जाना चाहिए था अब तक। पेट्रोल के क्राइसिस होने नहीं चाहिए थे, रेट इतने ज्यादा हाई फाई बढ़ने नहीं चाहिए थे। इलेक्ट्रिक स्कूटर और गाड़ियां आजकल इतनी ज्यादा लॉन्च हो रही हैं कि उनकी लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि हम बताते बताते आपको थक जाते हैं। आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है, यह है ओकिनावा की तरफ से आई पीस प्लस। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, जितनी इसकी रेंज है, उसने मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट किया। अब ये जो स्मार्ट स्कूटर है दोस्तों, इसकी जो कीज़ हैं ये भी स्मार्ट हैं। और जो ऐसी कीज़ हमें आजकल मिल रही है ना स्कूटर्स में, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। स्कूटर तो स्मार्ट है, वो मैं बताऊँगा बाद में। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी की। अगर यहाँ से आप इसकी कीज़ देंगे तो ये देखिए, इसके अंदर चार ऑप्शन है, लॉक, अनलॉक, अलार्म और स्टार्ट एंड स्टॉप। ये वाले बटन इसको आपको की में मिल जाएंगे। इसके साथ में ये वाली कीज़ भी मिलती हैं, दो रिमोट भी मिलते हैं कार की तरह, तो मतलब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए, जैसे अभी ये ऑफ पोजीशन पे है, मैं इसको अनलॉक करता हूँ, ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका अलार्म बजाता हूँ, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिमोट के अंदर ही अनलॉक, लॉक, अलार्म और इसका जो स्कूटर है इसको ऑन ऑफ का आप कर सकते हैं रिमोटली, तो मतलब कीलेस है। और कीज़ भी आपको साथ में मिलती हैं। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ इस स्कूटर के, ये जो लीवर्स हैं, ये लीवर्स गाइस, मैं जब अपनी बाइक मॉडिफाई किया करता था तो ये एडजस्टेबल लीवर्स लगाया करता था, इस टाइप के एडजस्टेबल लीवर्स। ये देखिए कितने सही किस्म की, कितनी हैवी बिल्ड है इसकी, एल्युमिनियम बिल्ड है ये। और ये देखिए कैसे करके एडजस्ट हो रहा है वो लीवर, और काफ़ी हाई क्वालिटी इसके अंदर ये लीवर्स यूज़ किए हैं, वैसे ही हैं जैसे कि हम अपनी बाइक्स में लगाते थे। काफ़ी एक्सपेंसिव बात नहीं, इसलिए इसके ऊपर इतना जोर देके बताया जा रहा है। और ये जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसको ओकिनावा ने एक पैकेज बनाया है। वो पैकेज किया, एक चार्ज में अगर कोई आपको दिल्ली के बहुत सारे एरिया घुमा दे, या हरियाणा के, या जहाँ भी आप रहते हो, आपके शहर के अंदर के काफ़ी सारे एरियाज़ घुमा दे, जैसे कि क्या इसकी जो रेंज है वो 140 किलोमीटर है नॉर्मल मोड पे, एस मोड पे, और टर्बो मोड पे इसकी जो रेंज है वो 130-135 निकल जाती है। इसका जो इको मोड है उस पे इसकी रेंज 145 तक जा रही है गाइस। अभी तक जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखते थे तो जो उनकी रेंज होती थी वो 70 किलोमीटर या फिर 80-90 समथिंग इस टाइप से करके होती थी, लेकिन इसने तो मज़ा ही दिला दिया कि 140 किलोमीटर आप एक बार ही चार्ज करो, उसके बाद भूल जाओ। इसके जो एर्गोनॉमिक्स हैं और जो इसका जो डिज़ाइन है, फ्रेम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले इसका इग्निशन चाबी से ही ऑन करता हूँ, क्योंकि जो फील है वो इग्निशन का चाबी से ही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर कोई बहुत फैंसी डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन ऐसा डिस्प्ले है जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। अब ये देखिए, ये कीज़ हैं इसकी, ये मैं की इसके यहाँ पे लगा रहा हूँ, और ये है इसका इग्निशन सीक्वेंस। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप इन्फॉर्मेशन देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी पहले क्या करते हैं, कुछ भी बात करने से पहले इसका एक बार मैं आपको वॉक अराउंड यहाँ से दिखाता हूँ कि लगता कैसा है बैठ के। ठीक है, ये देखिए अभी मैं इसके हूँ फर्स्ट मोड पर चलाऊँगा मैं, यानी कि फर्स्ट गियर। तो ये जो स्कूटर है ये सीरियसली मतलब फर्स्ट गियर में देखिए कितना इलेक्ट्रिक स्कूटर कितनी प्यारी सी चीज़ होती है ना, कितना मज़ा आता है इसको चलाने में। कोई खर्चा नहीं है, आपको आराम से चलाना है। ये इसकी फर्स्ट गियर है, और फर्स्ट गियर भी ऐसे नहीं है, मैंने इसको उठाया हल्के से है, लेकिन अगर इसको आप तेज़ी से करेंगे पिकअप तो इसका पिकअप काफ़ी तेज़ है। अब देखिए इसके मोड के बटन यहाँ पे हैं, ये है इको मोड, और इस तरफ कर देंगे ये चले जाएगा स्पोर्ट पे। अब पहले इको मोड करके मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ, यहाँ दिखाइए। अब यहाँ पे देखिए ये 1 लिखा है इस मेरी उंगली के पास, जैसे मैं इसको स्पोर्ट्स पे करूँगा ये 2 पे आ जाएगा, यानी सेकंड गियर पे आ जाएगा अपनी। अब सबसे दिलचस्प जो इसकी बात है, इसका जो थर्ड मोड है वो कहाँ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका है ये टर्बो मोड का बटन, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे टर्बो मोड अलग से ही दिया हुआ है, जबकि दोनों मोड यहाँ दिए हैं और यहाँ पे दे दिया है टर्बो। जैसे हम टर्बो पे करते हैं, ये देखिए मैं टर्बो मोड दबाऊंगा, और यहाँ पे आप देखिए ये 2 लिखा है, ये 3 पे अपने आप स्विच हो जाएगा। टर्बो मोड इसका बहुत खतरनाक होने वाला है, तो टर्बो पे करते के साथ ही जब मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ तो ये सीरियसली एक इलेक्ट्रिक बीस्ट बन जाता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक बीस्ट है ये, मतलब पिकअप कितना ज़्यादा इसमें कि थ्रॉटल दिया, और ये देखिए थ्रॉटल ये निकला, थ्रॉटल देते ही भागता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो है ब्रेक के लिए सेंसर्स वगैरह यूज़ किए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब जैसे हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे क्या करते हैं, उनका टॉर्क देखने के लिए मैं व्हील्स करके दिखाता हूँ, तो पिछला टायर जो है वो स्पिन करता है, लेकिन इस स्कूटर पे नहीं कर सकते, क्योंकि इस ये जो स्कूटर है इसके अंदर ये जो ब्रेक्स हैं इनमें सेंसर्स दिए हुए हैं, तो दोनों ब्रेक्स के अंदर सेंसर्स हैं,
तो जैसे ही वो सेंसर ऑन होता है तो आपकी जो मोटर है वो किल हो जाएगी, यानी कि वो बंद हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। इस बारी ओकिनावा ने डिजाइन के अंदर भी इतना सही वाला सीन कर दिया है कि जो ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं इसका फ्रंट का लुक बहुत ज़्यादा मॉडर्न, क्रिस्प और ट्रेंडी टाइप इसको बना दिया है। और LED हेडलैम्प्स अगर आपको मिल जाते हैं, LED DRLs अगर आपको मिल जाते हैं तो उसका क्या ही कहना। अभी मैं सिर्फ आपको इसके जो लाइट्स है वो एक बारी ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी लाइट्स हैं। इसमें आपको ये वाले DRLs मिलते हैं, ऊपर LED लैंप्स मिलते हैं, यहाँ पे एक DRL मिलता है, इनफैक्ट कि आपको यहाँ पे साइड लाइट्स भी मिलती हैं। और डिज़ाइन सेंस के साथ एक फीचर है जो मेरे को अच्छा लगता है, सेफ्टी फीचर। वो क्या होता है देखिए, जैसे मैंने हेडलाइट तो जलाई, अब ये जो DRL हैं, ये जो लाइट्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं, हम अभी धूप में हैं इसलिए नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए LED हेडलैम्प्स हैं। फिर एक स्कूटर में यहाँ पे साइड लैंप्स देने की क्या जरूरत है, लेकिन ओकिनावा ने सोचा होगा कि भैया यहाँ साइड लैंप्स भी दो कि साइड से कोई घसीट के ना जाए। दूसरा, फिर जो हमारे BS नॉर्म्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्टर होता है। फिर अगर नेक्स्ट ऊपर की तरफ चलते हैं इसके हेड की तरफ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प डिज़ाइन मुझे ये लगा, चोंच इसकी निकल रही है, एरोडायनामिक्स की तरह इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और जो आपके टर्न सिग्नल्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए, मैं टर्न सिग्नल्स जला देता हूँ, यहाँ पे आपको वो नॉर्मल बल्ब भी मिलेंगे जो कि टर्न सिग्नल्स में हैं। आपने पावर तो दे दी, इलेक्ट्रिक स्कूटर तो बना दिया, लेकिन ब्रेक्स का क्या? अब जितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ गाड़ी या बाइक, उतनी ज़्यादा पावरफुल उसकी ब्रेक्स होनी चाहिए। तो ओकिनावा ने यहाँ पे इस वक्त किया है, जो उसकी ब्रेक्स है वो पीछे आप देखें तो इसके अंदर एक हब मोटर तो है, लेकिन हब मोटर के अंदर ड्रम वाला सीन नहीं है, ब्रेक्स वाला सीन नहीं है। इसके अंदर उन्होंने लगाए हैं डिस्क, यहाँ पे आप देखें तो पीछे डिस्क है, और अगर हम आगे की तरफ चलें तो आगे भी इसमें डिस्क लगा रखे हैं। जो इसके सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन, वो टेलीस्कोपिक गैस चार्ज सस्पेंशन इसके अंदर देखने को मिल रही है मुझे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई ऐसी कंपनीज आती हैं और इतनी सारी चीज़ें वो ऐड कर देती हैं। अब ये देखिए, जो गैस चार्ज के जो सिलेंडर्स हैं वो किस टाइप के बना रखे हैं, एक अच्छा सा डिज़ाइन एलिमेंट है जिससे कि थोड़ा सा लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसके अंदर जो व्हील्स हैं वो भी 12 इंचेस के व्हील्स हैं। अगर मैं इसके व्हील्स यहाँ से दिखाऊँ एक बारी, तो ये देखिए डायमंड कट एलॉय इसको बोला जाता है, जो हुंडई वगैरह हैं वो कंपनी डायमंड कट बोलती हैं। आगे आपको एलॉय व्हील मिल जाएगा और पीछे आपकी हब मोटर के साथ में आपको व्हील कनेक्टेड मिलेगा। पीछे जो सस्पेंशन है आपको डुअल सस्पेंशन मिलेगी, जो उसका फ्रेम है वो भी काफ़ी अच्छे से बिल्ड किया है जहाँ तक कि मेरे को इन्होंने बताया। यहाँ पे आपको स्टोरेज ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं, आप अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा, आपको नीचे की अगर तरफ आप देखें इस तरफ, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है इस तरफ, और आपको एक USB चार्जर भी इसके अंदर, यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको एक USB चार्जर मिल रहा है कि आप अपनी USB यहाँ लगाएं और अपना फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग के लिए रख दें। पीछे पीछे की तरफ आते रहते हैं तो आप अगर देख रहे होंगे कि डिज़ाइन के अंदर एक ऐसा फॉर्म फैक्टर है, मतलब ये एंगल, ये जो एंगल है ये शार्प डिज़ाइन, स्पीड डिज़ाइन, एरोडायनामिक्स, वैसे इन स्कूटर्स के अंदर एरोडायनामिक्स इतना ज़रा महत्व नहीं रखता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती, और स्कूटर है तो वो यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन आजकल की जो यूथ है उसको क्या चाहिए, गुड डिज़ाइन, गुड स्पेक्स भी चाहिए, गुड डिज़ाइन भी चाहिए, और ऐसा सा डिज़ाइन चाहिए जो कि बहुत जल्दी ओल्ड ना हो। तो मेरे को लगता है कि ये जो डिज़ाइन है कंटेम्प्रेरी है, ऐसा सा डिज़ाइन है जो कि बहुत जल्दी ओल्ड नहीं होगा, क्योंकि स्कूटर है, स्कूटर के अंदर थोड़ा भारीपन होना चाहिए, स्कूटर के अंदर ऐसा होना चाहिए कि लड़कियाँ भी चला लें, लड़के भी चला लें, कोई उसको चलाने से शर्माए नहीं। और ये जो स्कूटर है इस वक्त, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉपर साइज़ का ये स्कूटर है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी ये बैटरी सिस्टम है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पहले ऑफ पोजीशन पे कर देता हूँ MC को, और ये MC भी बेसिकली ऑफ पोजीशन पे होनी चाहिए, और ये वाला जो पोर्ट है जो बैटरी को कनेक्ट कर रहा है वो हमें यहाँ से इसको डिसकनेक्ट करना है। ये देखिए, ये हो गया डिसकनेक्ट, ये स्कूटर का पोर्ट है, ये बैटरी का पोर्ट है। अब मैं ये यहाँ से बैटरी निकाल लूँगा, चाहूँ तो मैं ये बैटरी निकाल सकता हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी बैटरी है इसमें, इतनी बड़ी बैटरी, भाई साहब ये देख रहे हैं, मतलब है तो हैवी बैटरी, लेकिन अगर आप ले जाना चाहें इसको अपने फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो लिफ्ट में, या फिर आप इसको ले जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। अगर आपका घर थोड़ा सा नीचे है तो बैटरी का जो वेट है वो तो ज़्यादा है, लेकिन ये देखिए कि ओकिनावा की ही बैटरी है, स्पेशली i30+ के लिए ये बनी हुई है। इसके अंदर लिखा हुआ है द रेवोल्यूशन लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब कुछ इसकी जो बैटरी का जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है, 72 वोल्ट्स है और 46 ये जो AH की बैटरी है। अब यहाँ पे ये सीन आता है कि अगर ओकिनावा
एक वेल बिल्ड बैटरी बनाए जिसके अंदर की जो फायर प्रूफ वगैरह हो और बहुत मतलब प्रॉब्लम ना दे, और एक ही पैकेज बना दे तो एक वो टेंशन फ्री से पैकेज हो जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको दिखाऊँ तो बैटरी का जो स्पेस दे रखा है वो कितना डीप तक है, ये डीप तक बैटरी का स्पेस है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं अगर बताऊँ आपको, बैटरी हटाने के बाद इस स्कूटर का वेट ज़्यादा है ही नहीं। अब इसको लगाते हैं दोबारा, और ये देखिए दोबारा लगाने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी है। यहाँ से आपको बैटरी रख देनी है अंदर और वही वाले प्लग्स हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये ऑन, स्कूटर ऑन और ये बंद, ये है इसका सारा खेल। इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? एक बैटरी, मोटर, कंप्यूटर सिस्टम और गुड डिज़ाइन, वेल बिल्ड, ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की। अब मैं आपको इसका एक फ्लाई बाय देना चाहूँगा इसके टर्बो मोड पे। मेरे पास ज़्यादा रन नहीं है, छोटा सा ही रन है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं इसकी थर्ड गियर में करके चलाता हूँ ये स्कूटर तो कैसे चलता है। ये देखिए, मैं हल्के से पहले शुरुआत करूँगा फिर तेज जाऊँगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब इतना खेल तो बढ़िया ही है ना, मतलब इतनी स्पीड तो सही है ना आपके लिए। देखिए, जो इसका टर्बो मोड है वो तब तक आपको टर्बो पावर देगा जब तक ये आपको अलाउ करेगा। अगर आपने टर्बो मोड पे रख दिया और इसको भगाते रहे तो ये अलाउ नहीं करेगा। अब इसमें देखते हैं पिकअप। ओ बेटे, इसका तो पिकअप बड़ा सही है भाई, मतलब पिकअप इन द सेंस कि इसके अंदर टॉर्क बहुत अच्छा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं ओखिनावा पे व्हीली करना चाहूँ, वैसे करनी नहीं चाहिए, ये इनलीगल है, लेकिन अगर व्हीली करना चाहूँ स्टार्टिंग से व्हीली, जो पैर लगाने वाली व्हीली होती है, प्रॉपर व्हीली नहीं, तो मैं व्हीली इस पर पॉपअप कर सकता हूँ बहुत इजीली। ये देखिए, तो ये जो व्हीली है इस पर पॉपअप कर सकते हैं, जो इसको टॉर्क है, इनिशियल टॉर्क इलेक्ट्रिक है, मोटर है, तो जो टॉर्क है वो काफ़ी मिल जाता है इसमें। अब गाइस, आती है बात यहाँ पे इसकी प्राइस की। तो आप सब लोग ये कहते हैं कि भैया रेट बता दिया करो, आपको जो एक्चुअल ऑन रोड जो इसका प्राइस पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 1,25,200, 300 या 800, 900 ऊपर नीचे। तो ये जो रेट हैं ये हैं इसके फाइनल रेट। ये जो इलेक्ट्रिक है ना, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है, और हम इस वक्त थोड़ा लेट जी रहे हैं। ये प्रेजेंट हो जाना चाहिए था अब तक, पेट्रोल के क्राइसिस होने नहीं चाहिए थे, रेट इतने ज़्यादा हाई फाई बढ़ने ही नहीं चाहिए थे। हम लोग थोड़ा लेट चलते हैं, लेट जीते हैं और थोड़े से लेजी हैं, इस वजह से हम इन चीज़ों को फ्यूचर मान रहे हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं, यही प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल है वो है उन लोगों के लिए जो कि लोग काम करते हैं, घूमते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक है। इसका वीडियो आने वाला है सेकेंड, इसके बाद हम वो वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं ये वीडियोस बनाने में, इसके प्यार मोहब्बत में आप हमसे जुड़िए, थोड़ा बहुत फैलाइए हमारे वीडियोस, अपने दोस्तों को दिखाइए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।